पिछले वीक हमने आप लोगों को यूनर ब्लेसिंग के बारे में समझाया था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया। आज हम आपको टैप, टैप क्या होती है जो बाथरूम में, किचन में और लैट्रिन में जो टोटिया लगाते हैं उसे हम टैप बोलते हैं, टैप, ठीक है। उसके बाद एक होता है बालकॉक, कॉक्स के बारे में बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद में आता है स्टोव कॉक या वाल, वाल के बारे में बताएंगे। तो जब तक आप पूरा वीडियो देखोगे, लास्ट तक वीडियो देखना है आप लोगों को, एक एक फिटिंग कैसे हमें उसको ठीक करना है, रिपेयर करना है, क्या कमी है, आप लोग सब चीज बताएंगे। तो सबसे पहले हम कौन सी ले लेते हैं, टैप या क्या बोलते हैं, बिग कॉक, इसे टैप भी बोलते हैं, टैप मतलब टोटी, ठीक है। तो इसको क्या करना है, इसके सबसे ज्यादा इसके अंदर कमी क्या आ जाती है, सबसे ज्यादा कमी इसके अंदर आती है हमारी स्पिंडल की, ये डिस्क स्पिंडल बोला जाता है, डिस्क स्पिंडल, ठीक है। इसके अंदर हम रिपेयर कुछ नहीं कर सकते, इसको चेंज ही करना होता है। एक इंटरनल स्पिंडल होता है, उसके अंदर हम रबड़ चेंज कर सकते थे, क्या है कि इसकी रबड़ कई बार दब जाती थी, तो इसको हम क्या करते थे, बीच में इसको खोल के रबड़ को लिया, इसको हमने ऊपर से नट खोल दिया, ये बात समझ ली, और मालिक के पास गए, हमने रबड़ फ्री में लेके और इसका पैसा मिलेगा, 25-30-50 जो भी है रबड़ आप लोगों को फ्री में, तो हमने सिर्फ वाशर का ही इसी कमा लिया, ठीक है। उसके बाद क्या है, वाशर से हमने इस नट को टाइट कर दिया, नट को टाइट करने के बाद में उसी टोटी में वापिस ये सेट कर, ठीक है। हैंडल लगाने के बाद ऊपर पेस्ट टाइप करना है, इसी तरह रिपेयर हो गया। ब्रास की बिबकॉक, ये जो बिबकॉक है इसके अंदर हम स्पिंडल चेंज नहीं कर सकते हैं, इसके अंदर आता है जंपर वाल, जंपिंग वाल आता है, जंपिंग वाल के अंदर क्या होता है, ये पूरी की पूरी ब्रास की बनी होती है भाई, किसकी बनी होती है, ब्रास की। इसको हम खोलेंगे, इस तरह से खोलेंगे, खोलने के बाद में इसमें जंपिंग वाल निकलेगा, ये वाला, ठीक है, समझ में आ गया, जंपिंग वाल। ये जंपिंग वाल के अंदर भी हमें क्या करना है, ये रबड़ की या लेदर की वाशर होती है, इसको चेंज किया, अगर ये टूट भी जाता है, ये यहां से टूट जाता है कई बार, तो हम इसको क्या करेंगे, हम दूसरा ले लेंगे, दूसरा मार्केट के अंदर, ठीक है, दूसरा लगाएंगे, अगर वाशर खराब तो वाशर को चेंज करेंगे, इसको लगाएंगे वापिस, इसको जब भी इसको लगाएंगे इसको खोल के लगाना है, खोल करके लगाएंगे तो नीचे डिस्क के ऊपर आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। इसके अंदर क्या बोलते हैं, ये इसका स्पिंडल, हैंडल स्पिंडल, ये वाला जो होता है ऊपर से कई बार टोटी लीक करने लग जाती है, तो हम क्या करेंगे, इसका ग्लेन नट है ना, ग्लेन नट को खोल लेंगे, ग्लेन नट ये वाला होता है, ग्लेन नट ये वाला, इसमें क्या करेंगे, धागा लगाएंगे और धागा लगा के इसको वापिस ग्लेन नट को हम टाइट कर देंगे ऐसे, ऊपर से पानी निकलना, लीकेज जो होती है वो बंद हो जाएगी, ठीक है। ये इसकी रिपेयरिंग कंप्लीट है, आप लोगों का पूरा काम कंप्लीट। उसके बाद आता है एंगल वाल, एंगल वाल क्या करते हैं, ये एलएनटी से खोला जाता है, एलएनटी से, इसके अंदर एलएनटी नट होता है, ये एलएनटी होती है, देखो एलएनटी होती है ऐसी, दिखाओ जरा एलएनटी, ठीक है। एलएनटी से क्या करना है, इसके नट को खोलेंगे, नट को खोलने के बाद एंगल को निकालेंगे, इसके अंदर भी वही स्पिंडल होता है, डिस्क स्पिंडल, इसके अंदर वाशर चेंज नहीं होती है, ठीक है। इस एंगल वाल का प्रयोग हम वाश बेसिन के नीचे, गीजर के पॉइंट के पॉइंट के लिए, या फिर डब्ल्यूसी में सिस्टम लगाते हैं उसके पीछे सिस्टम को भरने के लिए, ताकि सिस्टम खराब हो जाए तो पानी हमारा वेस्ट ना जाए, ठीक है ना। इसलिए इसको हम ऐसी जगह लगाते हैं जहां पे दूसरी पाइप के साथ में कनेक्ट करना हो, ठीक है। ये हमारा एंगल वाल का पता लग गया हम लोगों को, ये एंगल वाल का रिपेयर हमें ऐसे करना है, ताकि इसकी अगर डिस्क खराब है तो डिस्क को हम चेंज कर दें, जैसे हमने बिबकॉक की चेंज किया उसी प्रकार से हमें
एंगल बाल को ठीक कर सकते हैं। बाल को, बाल को क्या है, इसके अंदर बाल होती है, गोली, वो गोली कभी ठीक नहीं होती है। ये वाली एमएस की होती है, ब्रास का बना होता है, ब्रास की भी आती है, लेकिन ब्रास का जो बाल होगा इसके अंदर गोली होगी वो हैवी मिलेगा, ज्यादा पैसे का मिलेगा। अगर एमएस की तो जल्दी, लोहे की है तो जल्दी सस्ते रुपए में मिल जाएगी, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं, उसका बाल खराब, उसके बाल जो अंदर है जम जाता है, जंग खा जाता है, वो चलता नहीं फिर ऐसे। और कई बार क्या, इसके अंदर रबड़ वॉशर है ना, इसके अंदर जो बाल जिसपे काम करती है, अगर अकेला ब्रास होगा तो लीकेज चलती रहेगी, इसके अंदर रबड़ लगी है, तो रबड़ को हमने क्या करना है, रबड़ को हम ठीक कर पाएंगे। ये बाल अगर खराब हो गया तो हो चुका है। गेट वाल क्यों कहते हैं इसको, गेट वाल इसलिए कहते हैं ताकि जिस साइज का पाइप है उसी साइज का हमें लगाएंगे, और जिस साइज में पानी आएगा उसी साइज में आर पार पानी पाइप के डायर के अनुसार इसके अंदर होल होता है। दिखाई दे रहा है ना आप लोगों को, सब लोगों को, ठीक है। उसके बाद क्या है हमारे पास, व्हील वाल्व। व्हील वाल्व भी क्या है, व्हील वाल्व के अंदर भी हम क्या करते हैं, ये हमने क्या खोल दिया इसका, स्प्लेनर दिया, स्पिनर खोल दिया हमने। जैसे हमने ग्लेनट खोल दिया, ग्लेनट खोल के खोलने के बाद में इसे लीकेज है तो इसके अंदर धागा लगाएंगे, फिर उसको ग्लेनट को वापस हमें टाइट कर देंगे। और व्हील वाल में भी क्या होता है, व्हील वाल के अंदर भी जैसे गेट वाल काम करता है उसी प्रकार से व्हील वाल कटाया होता है, लेकिन व्हील वाल में धीरे धीरे करके वाटर हैमरिंग होने से बचाता है ये वाल। ये वाल अगर मैन लाइनर लगा देंगे तो वाटर हैमरिंग का संभावना ज्यादा है। वाटर हैमरिंग क्या है, जब एक साथ प्रेशर को हम बंद करेंगे तो पाइपों में फटने की आवाज आएगी, पाइप फट जाएगी, क्योंकि प्रेशर कंट्रोल करेंगे तो एकदम पाइपों में प्रेशर लगेगा, ठीक है। और जिस तरफ हमें पानी को बहाना है या बह रहा है, पहले बह रहा है उसको बंद नहीं करना है, पहले उसको चालू करना है, जिस तरफ हमें पानी जिस दिशा में देना है उस वाल्व को हमें पहले खोलना है, फिर उस वाल्व को हमें बंद करेंगे धीरे धीरे करके, ठीक है। ये हमारा आपको व्हील वाल्व के बारे में पता लग गया, ये गेट वाल्व के बारे में पता लग गया। आज हम आपको इससे आगे हम क्या करेंगे, ये आपकी है पुस्को, ऑटोमेटिक पुस्को, इसको दबा दिया एक बार ऐसे, पानी अपने आप इसके अंदर क्या होता है, स्प्रिंग होता है, स्प्रिंग धीरे धीरे करके उसको अपने आप क्लोज कर देता है, ठीक है। ये रिपेयरेबल चीज नहीं है, ये अगर आप लोग इसको ठीक करना चाहोगे ठीक नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका स्पिंडल ही आपको दोबारा ही खरीदना पड़ेगा। ये ज्यादातर टोटिया सार्वजनिक स्थानों के ऊपर लगाई जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम करते हैं, ये होता है हाई नेक वाशबेसिन पिलर को। हाई नेक का मतलब इसकी नेक जो है वो बड़ी है, क्या है, मिक्सर। हाई नेक मिक्सर वाशबेसिन का पॉइंट है। इसको क्या करना है, इसको जब ज्वाइंट करेंगे तो इसको यहां से ये नट खोलेंगे, हेक्सागोनल नट को खोल के पहले इसको क्या करेंगे, जो वाशबेसिन के अंदर पॉइंट है उसके अंदर लगाएंगे, लगाने के बाद नीचे से टाइट कर देंगे ऐसे, नीचे वाशबेसिन में टाइट करने के बाद में फिर ये लैग लगाएंगे। ये लैग क्या करेंगे, इसके अंदर एक में गर्म पानी आएगा एक में ठंडा पानी आएगा, पहले हम ये लैग लगाएंगे जो कौन सी है, टेढ़ी वाली है, क्योंकि टेढ़ी वाली घूमेगी ऐसे तो वो बहुत जगह लेगी, है ना। इसके ऊपर हम पहले टेप रोल टेप लगाएंगे फिर इसको टाइट करेंगे, टाइट इतना करना है कि झटके के साथ टाइट नहीं करना, क्योंकि ये ब्रास का बना होता है जल्दी टूट जाएगा, ठीक है ना। फिर इसके बाद इसको लगाएंगे, इसको लगाने के बाद में फिर हम क्या करेंगे, इसके अंदर पीवीसी कनेक्शन लेंगे और जो हमारे मेन लाइन आई हुई है स्टोरेज टैंक से उसके अंदर कनेक्ट कर देंगे, और वाशबेसिन के अंदर जो एंगल वाल से हम इसको पॉइंट ज्वाइंट करके वाशबेसिन को स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, उनका मिक्सर, ये क्या है, बाथरूम के अंदर गर्म पानी ठंडा एक ही नल के द्वारा लेने के लिए हम इसको बाथरूम के अंदर प्रयोग करते हैं। इसके अंदर भी कमियां क्या आ जाती है, इसके अंदर वही स्पिंडल की कमी आ जाती है, इसका भी जब स्पिंडल चेंज करेंगे, जैसे हमने बिटकॉक का टैप्स जो बोलते हैं उसका हमने ठीक किया था, इसी तरह भी ये भी एलएनकी वाला नट होता है, ऐसे कुछ एलएनकी वाले होते हैं कुछ
ऐसे ही स्क्रू वाले होते हैं, हम पेच से खोल देंगे, पेचकस से खोलेंगे, स्क्रू ड्राइवर से खोलने के बाद उसका स्पिंडल चेंज कर देंगे, फिर वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद आती है, हमारे पास आता है कंसील्ड वाल्व। कंसील्ड वाल्व कंसील्ड वाल्व क्या है, ठीक है, उसके अंदर कंसील्ड वाल्व की जो नोजल होती है, ये डिस्क जो होती है वो बड़ी होती है, ठीक है। उस डिस्क को हम मार्केट में ले जाएंगे, मार्केट के अंदर जा करके उसको उसी नाप से दिखाएंगे, फिर उसको हम लेके आएंगे, फिर उसको सेट कर देंगे। हम अपनी फिटिंग को अपने आप घर के अंदर जो यूज करनी होती है उसको ठीक करेंगे। जब हम ये लगाएंगे बाथरूम के अंदर, तो हमें क्या करना, जो पॉइंट पहले दे दिया जाता है उन पॉइंटों का साइज 6 से 7 इंच के अंदर होना चाहिए। अगर 6 से 7 इंच के अंदर बाहर रह जाता है छोटा मोटा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है, तो इन लैग के द्वारा हम उसको क्या करेंगे, सेंटर कर लेते हैं। लैग के द्वारा कैसे, इस लैग को हम इसमें लगाएंगे, जैसे पहले इसमें वाशर लगाएंगे, ये वाशर लगा करके इसको टाइट करेंगे ऐसे, इसमें जो हमने फिटिंग बना रखी है उसके अंदर, ठीक है, वाशर ली, वाशर लेने के बाद इसके अंदर ये वाशर लगा दिया, इस मेन मकसद क्या हमारा, इस लेग के पॉइंट को समझाना। जैसे ही आपने पॉइंट ऐसे लगाया है, तो ये मान लीजिए इधर उधर करना है, तो थोड़ा बहुत इस लेग के द्वारा हम इसको कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद क्या है, विद शावर के कनेक्शन का ये पॉइंट है, इसमें क्या करेंगे, विद शावर का कनेक्शन लगाएंगे, तो पहले हम इस पॉइंट को बना के छोड़ देते हैं एल्बो के द्वारा, ठीक है, इसमें हम एल्बो लगा देंगे, छह फिट के आएंगे, 12 6 के दोनों के दो साइज है, दोनों के साइज का गैप भी बता दिया हमने, बताया ना, उस गैप को भी हम लगा करके दोनों को मिलाएंगे, अगर गैप कार्य करते समय थोड़ा सा छोटा रह जाएगा, थोड़ा सा बड़ा रह जाता है, तो इस लैग के द्वारा हम उसको सेट कर सकते हैं, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद जब हम पक्का करेंगे, तो एक कैप कटोरी लगाएंगे, कैप कटोरी कैसे, तो ये वाली है, कई बार यहाँ से पीछे एल्बो के पास से रह जाती है, कई बार हम एक्सटेंशन के आगे से रखते हैं, तो ये कैप कटोरिया जो है ये वाश बेसिन के आगे से रखते हैं, उनको बंद कर दे, जो हम टाइल्स लगाते हैं बाथरूम के अंदर उसको ज्यादा टूटा हुआ भद्दा दिखाई ना दे, इसलिए हमें इस कैप कटोरी को लगा देते हैं, ठीक है। आप लोगों को समझ में आया, ये पूरा मिक्सर सेट कर लोगे, अगर कोई भी कमी आती है तो रिपेयर करने में कोई दिक्कत कोई नहीं होगी। उसके बाद आता है बाल को, हमने बताया बाल को, बालकों का क्या काम क्या होता है, ये ऑटोमेटिक पानी को क्लोज करता है, पानी सर्कुलर से चल रहा है, इसका हम प्रयोग कहाँ करते वो भी बता देते हैं। जैसे कि हमारे छत के ऊपर टंकियां रखी है बहुत सारी, अगर एक ही टंकी लगा रखी है और वहां पे हमने क्या लगाया, मोटर लगा रखी, तो आपने ये लगा दिया बालकों पे, तो वो मोटर जल जाएगी, वहां पे आप लोगों ने लगाना है। अगर 3-4 टंकियां एक साथ हमने छत के ऊपर टेरिस के ऊपर लगा रखी है, तो हर टंकी के साथ में ये लगाएंगे, जो लास्ट वाली टंकी होगी उसको हम ओवरफ्लो निकाल देंगे, या फिर बैन लगा देंगे कि सभी टंकियां हमारी पानी की भर चुकी है, क्योंकि ये तो ऑटोमेटिक काम करेगा, ठीक है ना। ये कैसे काम करेगा, इसके अंदर क्या है कि इसके अंदर भी हमारी एक वाशर होती है, जो वो वाशर खराब हो जाती है, ये बाल ये होती है रोड, ये होती है चिड़ी, इस चिड़ी का ही कमाल होता है, ये चिड़ी क्या करती है, हमारे इसके अंदर पिस्टन को आगे पीछे काम करती है ऑटोमेटिक। इस पिस्टन के अंदर भी क्या होता है, जो ये वाशर होती है ना, ये वाशर बैठ जाती है, कई बार मार्केट के अंदर लेदर की सीट होती है, उसको लाएंगे अपने आप इसको काट के वापस लगा देंगे, और फिर ये इसको वापस दोबारा से सेट कर देंगे, ठीक है। इसके ऊपर हमने लगा दिया लॉक पिन,
उसके बाद लगा दिया बोल्ट, ठीक है। इसके बाद हमने जब टंकी के अंदर लगाएंगे तो ये जो नट है इसका हेक्सागनल, हेक्सागनल नट को खोल के एक वाशर निकालेंगे, वाशेशन की के अंदर और सिस्टम के अंदर, ठीक है ना। सिस्टम क्या होती है, तो सिस्टम ऑटोमेटिक पानी भरेगा, ऑटोमेटिक खाली होगा। टंकी के अंदर भी ऐसे ही है, टंकी में पानी जाएगा ऑटोमेटिक खाली होगा, ऑटोमेटिक जितनी खाली होगी उतना ही ये नीचे जाता रहेगा। फिर जब ये इसके पास पानी आएगा तो ऑटोमेटिक ऊपर उठेगा, तो ये जैसे उठेगा वहां पे बंद हो जाएगा। अगर टंकी के अंदर क्या होता है, पानी कई बार ओवर फ्लो करने लग जाता है क्योंकि ये बाल ऊपर उठ जाता है और ओवर फ्लो पॉइंट नीचे दे दिया जाता है, तो हम इसको क्या करेंगे, इस रोड को ऐसे लेंगे और इसको मोड़ देंगे, ऐसे मोड़ देंगे, ठीक है। इसको मोड़ने के बाद में क्या हुआ, ये उसके ओवर फ्लो है, ओवर फ्लो के पॉइंट से नीचे रह जाएगा और फिर ये ऑटोमेटिक ऐसे उठेगा तो ओवर फ्लो से नीचे ही अपना उठ के बंद कर देगा, ठीक है। आप लोगों को फिटिंग के बारे में सब समझ में आ गया होगा, फिटिंग को रिपेयर करने का देखा, इसके लिए धन्यवाद। आप लोग लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।